कैरेबियन प्रीमियर लीग का 13वां मैच खेला जाएगा टेबल टॉपर त्रिनबैगो नाइट राइडर्स और टेबल में दूसरे स्थान पर सेंट लूसिया ज़ूक्स के बीच। शायद इस प्रतियोगिता का सबसे टक्कर भरा मैच होगा ये। ये मैच खेला जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के मैदान पे 26 अगस्त शाम के 7:30 बजे। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले त्रिनबैगो नाइट राइडर्स टेबल के टॉप पर हैं, 3 में से 3 मैच जीत चुके हैं। सारे ही खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं, शायद ड्वेन ब्रावो के अलावा। लेकिन ड्वेन ब्रावो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी फॉर्म से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी काफ़ी वैरायटी है। सुनील नारायण और खारी पियर के रूप में 2 अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, सलामी तेज गेंदबाज के रूप में अली खान हैं। तो अगर आखिरी समय पर कोई इंजरी नहीं होती है तो निश्चित है इस मैच में भी सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेंगे। तो अब आते हैं सेंट लूसिया ज़ूक्स की तरफ। राकीम कॉर्नवॉल जो कुछ मैचेस में ओपन कर रहे थे, ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए, तो इस मैच में भी बाहर ही बैठेंगे। उसके अलावा 2 ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो हर मैच में हाथ खड़ा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे जा रहे हैं, वो हैं रॉस्टन चेज और मोहम्मद नबी। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेमार रोज भी शायद देखने को मिलेंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये पोर्ट ऑफ स्पेन की नई पिच है, बल्लेबाजों को सहायता मिलेगी, ऊपर सूरज भी रहेगा, बारिश नहीं आती है, तो पहले बल्लेबाजी करके इस पिच का पूरा लाभ उठाना होगा। मौसम की बात करें तो पहली बार इस प्रतियोगिता में किसी मैच में बादल नहीं छाए रहेंगे, सूरज निकला रहेगा। ह्यूमिडिटी होगी 70%, बारिश के आसार फिर भी 20% रहेंगे और तापमान रहेगा 32 डिग्री। इस मैच के लिए जो 2 टॉप खिलाड़ी होंगे वो होंगे दोनों ऑलराउंडर। एक तो होंगे बिना किसी शक के सुनील नारायण। ओपनिंग करते हैं तो इनका बल्ला आग उगलता है, गेंदबाजी में कोई इनको खेल नहीं पाता है, तो सुनील नारायण तो डेफिनेटली होंगे। दूसरे होंगे रॉस्टन चेज। पहले लगता नहीं था कि इनकी T20 गेम ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में दिखा दिया है कि T20 भी खेल सकते हैं और एक ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। 4th नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में तेज फेंकते हैं, स्लो भी फेंकते हैं, तो वेरिएशंस काफ़ी अच्छी हैं। तो रॉस्टन चेज होंगे हमारे दूसरे खिलाड़ी। तो अगर हम इस गेम की फाइनल प्रेडिक्शन करें, सेंट लूसिया ज़ूक्स काफ़ी अच्छा खेल रही है, 4 में से सिर्फ 1 मैच हारी है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिनबैगो नाइट राइडर्स के सारे ही खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि हारने के मूड में हैं, और मुझे लगता है कि 4 में से 4 जीत करके ही जाएंगे इस मैच के बाद।